एंड रिफ्रैक्शन, ओके। और जो हमारी थर्ड क्लास थी उसमें मैंने रिवीजन भी करवाया था, जिसमें मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से हम कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन करते हैं और किस किस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पर रखा हुआ होता है तो हम इमेज के फॉर्मेशन कैसे करते हैं। हमने प्रीवियस जो हमारे वीडियो हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। और अभी हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे मिरर फार्मूला, ठीक है। अब मिरर का भी कोई फार्मूला होता है, सुनने में तो बड़ा अजीब लगेगा, हाँ, लेकिन मिरर का भी फार्मूला होता है और उसी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। आइए लाल पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, हो जा, ठीक है, अभी नहीं हुआ। तो चलिए मिरर फार्मूला हम यहाँ पर देखते हैं। मिरर फार्मूला हमें एक रिलेशन बताता है जो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तीन चीज़ों को रिलेट करता है। जो सबसे पहली चीज़ है वो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने कहाँ पर रखा हुआ है, उसकी डिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ से मेज़र किया जाता है, यहाँ से डिस्टेंस मेज़र की जाती है। और आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, नंबर लाइन कुछ इस तरीके से होती है, अगर हम इसको 0 मानते हैं तो इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इस तरीके से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, और इधर -1, इधर -2, इधर -3, इस तरीके से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो हम हमेशा कॉनकेव मिरर को इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम रखते हैं तो हमेशा मिरर जो सरफेस होता है वो इधर होता है, इनर के साइड होता है, तो ऑब्जेक्ट भी हमेशा इधर ही रखा जाएगा। क्योंकि अगर पीछे ऑब्जेक्ट मैंने रखा तो कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होनी है, क्योंकि यहाँ से जब रे इससे जाएगी तो इरेगुलर सरफेस होता है, इससे कोई रिफ्लेक्शन यहाँ पर, रिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन कोई रेगुलर इमेज नहीं बनेगी, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को नहीं रखते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हम ऑब्जेक्ट को रखते कहाँ पे हैं, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा रखते हैं मिरर के फ्रंट साइड में, यानी यहाँ कहीं। तो जब हम इधर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम हमेशा कैसे लेते हैं, निगेटिव। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल यू से। स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज निगेटिव एज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फिर उसके बाद बात आती है अगली चीज़ जो होती है इमेज कहाँ पर बनेगी, यानी इमेज की डिस्टेंस। तो यू और वी ऐसे बनाना है, यू देखिए आपका इस तरीके से होगा और वी आपको जब बनाना है तो इस तरीके से बनाना है, यानी वी में ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से बनाना, क्योंकि जब हम स्मॉल लेटर में दोनों लिखते हैं तो कभी कभार कई सारे बच्चों का दोनों सेम सेम दिखता है, तो इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना, आपको यू में नीचे जाएगा, ऊपर में यू वी में थोड़ा सा ऊपर, इस तरीके से आपको गोल लाइन बनानी है। तो जो इमेज बनेगी, तो कॉनकेव मिरर मैंने आपको बताया था कि स्पेशल केस में इमेज पीछे बनती है और बाकी सभी केसेस में इमेज सेम साइड, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता है उसी साइड बनती है। तो अगर इमेज मिरर के पीछे बन रही है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा उसका वैल्यू, और अगर आगे बन रही है तो उसका वैल्यू निगेटिव साइड हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक केस ऐसा होता था जिसमें इमेज जो होती थी पीछे बनती थी, वो स्पेशल केस था, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ होता था तब इमेज पीछे बनती थी, और वो कैसी होती थी, वर्चुअल होती थी, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा इस केस में यहाँ पर पॉजिटिव साइड में बनेगी, उस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। वी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, ज़्यादातर कॉनकेव मिरर के केस में निगेटिव होगी और स्पेशल केस में एक बार बस पॉजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव ही होगी चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, ठीक है। जितने भी 6 कंडीशन आपको बताए हैं सभी केस में ये वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी, ये हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको मैं समझा रहा हूँ। फिर इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर डिपेंड करता है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि इमेज फॉर्मेशन के लिए जो जरूरी होता है, तो जरूरी होता है आपका फोकस, ठीक है। तो फोकस इन्हीं तीन चीज़ों को रिलेट किया जाएगा मिरर फार्मूला में। तो देखिए मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन है, सारे कई सारे फार्मूले हैं, इनको याद करने का मैं बहुत छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिसको हम ओईसी ट्रिक बोल सकते हैं, उदित सर की ट्रिक बोल सकते हैं, आप इसको या इस तरीके से याद रख सकते हो, ट्रिक आपको बाद में बता जाएगी, लेकिन हम आपको पहले पढ़ा लेंगे फिर हम आपको बताएंगे कि ट्रिक से कैसे इनको याद रखना है। तो वी विल ऑलवेज कैलकुलेट फोकल लेंथ, यानी हम फोकल लेंथ हम कैलकुलेट नहीं करेंगे लेकिन हम फोकल लेंथ को फार्मूले में याद करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ होती है, फोकल लेंथ होती है स्पेशल प्रॉपर्टी है, तो स्पेशल चीज़ों को हम किनारे रखते हैं। जो चीज़ें वेरिएबल होती हैं उनको एक साइड रखेंगे, उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो हम यहाँ पर होगा 1/v प्लस 1/u, सॉरी u को इस तरीके से आपको बनाना है, 1/v प्लस 1/u,
यू। अब देखिए इस केस में आपको दोनों कभी भी प्लस आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हो, वन अपान वी प्लस वन अपान यू भी हो सकता है और वन अपान यू प्लस वन अपान वी भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोनों केस में ध्यान में रख सकते हैं, दो मिरर फार्मूला के केस में इस तरीके से अप्लीकेबल होगा, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना होगा वी प्लस वन अपान यू, ठीक है, आपको यही याद रखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वन अपान वी प्लस वन अपान यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि बहुत सिंपल है, हम जो कांस्टेंट वैल्यू है, जो फोकस जो है किसी मिरर के लिए चेंज नहीं होता, तो हम कांस्टेंट वैल्यू को हमेशा इधर ही रखते हैं। तो कभी आपने शायद 10th क्लास में ही अगर मैं आप मैथ पढ़ेंगे तो उसमें आपको सिखाया जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी करके इक्वल टू जीरो लिखते हैं, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई, और इधर जो कुछ वैल्यू होती है वो कांस्टेंट वैल्यू इधर होती है, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, तो ज़्यादातर जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो हम इक्वेशन के दूसरे साइड रखने की कोशिश करते हैं। तो वन अपान यू एफ, एफ जो होगी वो किसी मिरर के बनने के बाद जब कंपनी से बनेगा तभी वो फिक्स हो जाएगा, चेंज नहीं होना है। हाँ, जो बाकी वेरर आई आँख का जो लेंस होता है उसका फोकल लेंथ चेंज होता रहता है, तो उसके केस की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बाकी जो मिरर्स हैं उनके केस की बात कर रहे हैं। तो ये जो फार्मूला है दोनों केस के लिए अप्लीकेबल है, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी, दोनों केस में इक्वली अप्लीकेबल है, तो आपको उसको बदर नहीं करना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की वैल्यू, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू की वैल्यू हमेशा कैसी ली जाएगी, निगेटिव ली जाएगी। वी फोकल लेंथ की वैल्यू, अब देखिए फोकल लेंथ भी कहाँ है, जो मिरर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर सरफेस होगा, तो फोकल लेंथ हमेशा कहाँ होगा, जब इन्फिनिटी से कोई रे आएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस पे ही आती है, तो ये फोकस पॉइंट भी किधर, आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो के इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये वैल्यू भी कैसी होगी, माइनस। तो यहाँ पे फोकस की भी वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। फोकस की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। अच्छा, जब हम एक कॉनकेव मिरर के केस में था, कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखिए, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम जो इसमें सरफेस लगाते हैं, जो इधर नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल फोकस मैंने आपको बताया था वो किधर होता है, वो होता है मिरर के पीछे। तो जब यहाँ पे होगा उसका फोकस, तो हम इसको कैसा लेंगे, पॉजिटिव। तो आपको हमेशा याद रखना है, चाहे मिरर हो या लेंस, कॉनकेव के केस में, केव के केस में आपको निगेटिव वैल्यू लेनी होती है, किसकी, फोकस की, और कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होती है। तो आप वेक्स शब्द से आप जरा यहाँ पे देख सकते हो कि जब हम वेक्स लिखते हैं तो ये जो एक्स शब्द है ये पॉजिटिव बनाता है, तो चाहे कॉनवेक्स लेंस हो चाहे कॉनवेक्स मिरर हो, दोनों के केस में आपको जो फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव के केस में कोई एक्स नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो हम यहाँ पर आते हैं वो हमारा है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया था, तो यहाँ पर हम उसको भी देखेंगे। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का जो जो इमेज बनी हुई है वो ऑब्जेक्ट से के बराबर है या उससे बड़ी है या उससे छोटी है, ठीक है। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपको समझाया था कि जो प्लेन मिरर होता है उसका मैग्नीफिकेशन जो होता है वो वन होता है, यानी वन होने का मतलब हम आपको समझाते हैं अभी, पहले हम आपको मैग्नीफिकेशन एक्चुअली क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। ये रेशियो होता है हाइट ऑफ द इमेज का हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ। मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि अगर हाइट जो होती है यहाँ भी अगर मीटर में है तो यहाँ भी आप मीटर में लेंगे और दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, ठीक है। इसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, हाइट ऑफ इमेज जो होगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो फिक्स है, हाइट ऑफ इमेज जो होती है डिपेंड करती है कि पोजिशन क्या है ऑब्जेक्ट का, और अगर इमेज का हाइट मान लीजिए 1 मीटर ही है और ऑब्जेक्ट की हाइट 1 मीटर ही है, तो दोनों की वैल्यू मैग्निफिकेशन यहाँ पे कितना आएगा, 1 क्रॉस, जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अगर इमेज की हाइट 2 मीटर है और ऑब्जेक्ट की हाइट 1 मीटर ही है, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन 2 होगा, और यहाँ से हम समझ जाएंगे कि जो मैग्निफिकेशन यानी 2 गुना हो जा रहा है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2 टाइम्स हम पढ़ेंगे, यानी मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, हम इस तरीके से इसको समझेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर इमेज जो है वो 0.5 मीटर हुई, तो हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन हमारा हो जाएगा उस टाइम पे हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा, सॉरी यहाँ यूनिट नहीं होगी, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यानी 0.5 में इसको हम सिंपल करेंगे तो 1/2, यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा 1/2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हाइट ऑफ, इस तरीके से हम मैग्निफिकेशन को यहाँ पर देखते हैं कि h2 upon h1, ये आपको याद रख लेना है। तो जो आप इसको उस तरीके के फार्मूले में याद कर सकते हैं जैसे आप
मैथ में याद करते हैं तो, या जब आप अपना परसेंटेज निकालते हैं तो टोटल मार्क्स को हमेशा नीचे रखते हैं। जो ओरिजिनल चीज़ होती है उसको बेस माना जाता है, जो ओरिजिनल चीज़ होती है उसको हमेशा बेस में रखा जाता है। यहाँ पे ओरिजिनल चीज़ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज़ ओरिजिनल। जो इमेज है वो भी ओरिजिनल है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के बाद आई है, इसलिए इमेज को हम कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे। तो यूँ तो समझ लीजिए कि ये आपका प्राप्तांक हो गया, जो आप स्कोर करते हैं मार्क्स, ये टोटल मार्क्स हो गया। तो टोटल मार्क्स विल ऑलवेज बी पुट इन डिनोमिनेटर एंड द मार्क्स यू आर गेटिंग इन द एग्जाम दैट विल बी पुट इन न्यूमिनेटर। ओके, सो हियर कितने गुना इमेज बढ़ी ये जानने के लिए भी तो हमको एच टू अपॉन एच वन ही करना होगा। तो ये कई सारे ट्रिक हैं, आप इसको याद रख सकते हैं, और ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ठीक है? मैग्निफिकेशन का ये यूनिवर्सल फार्मूला है। अब यूनिवर्सल फार्मूला बोलने का मतलब ये है कि लेंस में भी यही है और मिरर के केस में भी यही है, ये फार्मूला चेंज नहीं होगा। जो फार्मूला चेंज होगा वो नीचे है, वो मैं अभी आपको नीचे में बताऊंगा। एक्चुअली फार्मूला भी नहीं चेंज होगा, उसमें साइन चेंज होंगे, ठीक है? तो द मैग्निफिकेशन एम इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड इमेज डिस्टेंस वी, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी एच टू अपन एच वन तो रहेगा ही रहेगा, यानी यहाँ तक सेम है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें चेंज होंगी वो, सॉरी, यहाँ पर आप देखिए कि अगेन जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पहले आएगा, तो जो ओरिजिनल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी मिरर के पहले हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिनल चीज़ हो गई, प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो दैट विल बी पुट इन डाउन डिनोमिनेटर, ठीक है? और जो वी है वो हमेशा कहाँ पुट किया जाएगा, ऊपर रखा जाएगा, वी बाई यू। तो आपको ये फार्मूला भूलेगा नहीं, आपको याद रखना है वी बाई यू, और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है एच टू बाई एच वन, यही मिरर मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, एच टू बाई एच वन, ठीक है? तो अब वी अपन यू हुआ, लेकिन अब इसमें साइन साइन बहुत मायने रखता है, यही चीज़ आपको कंफ्यूज करता है, तो यहाँ पर पुट होगा माइनस। जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, ट्रिक का आपको ऐसे याद रखेंगे कि जो मिरर का, आप इस तरीके से बोलेंगे, मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है, मिरर का मैग्निफिकेशन जो होता है, सन जो होता है वो माइनस में होता है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, मिरर का मैग्निफिकेशन माइनस में होता है, ठीक है? तो बोलने में भी आपको अच्छा लगेगा और याद भी रहेगा। और इसी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको चार फार्मूले, एक एक मिरर, इसका फार्मूला हो गया मिरर फार्मूला, और दूसरा मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर फार्मूला, मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ इन केस ऑफ मिरर, दूसरा लेंस फार्मूला, और लेंस मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ लेंस, ये चारों फार्मूले आपको मात्र इसी ट्रिक से याद हो जाएंगे। कौन सा ट्रिक है? मिरर का मैग्निफिकेशन माइनस होता है। तो देखिए इसका मैग्निफिकेशन कैसा हो गया, माइनस हो गया, तो लेंस के केस में क्या फार्मूला बन जाएगा मैग्निफिकेशन का, हो जाएगा वी बाई यू, वहां पर माइनस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है। अब इसको हम, इससे हम मिरर फार्मूला कैसे याद रखेंगे, देखिए सभी को याद रहेगा, वन अपॉन एफ इजकल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, आपको ये चीज याद रहेगी। तो देखिए यहाँ पर जो, यहाँ पर अगर माइनस आया है तो वन अपॉन वी अपॉन वन अपॉन यू के बीच में यहाँ पर प्लस आएगा, जस्ट उल्टा, ठीक है? और सेम इसका रिवर्स हो जाएगा किसके केस में, लेंस फार्मूला के केस में भी, लेंस फार्मूला के केस में है तो वहाँ पर फार्मूले में यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये इस तरीके से वैल्यू प्लेस कर जाएंगे। उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जब लेंस फार्मूला पढ़ेंगे तो फिर से हम आपको इसको रिपीट कराएंगे। फिलहाल अभी याद रखिए कि मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है दैट ऑलवेज कम्स इन माइनस, यहाँ पर माइनस वी अपॉन यू होगा, ये आप देख रहे हैं, ये जो माइनस है दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके? वी अपॉन यू आपका याद रहेगा क्योंकि यू जो होता है ओरिजिनल चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस किया जा रहा है, वी बाद में बनती है, तो जो बाद में बनती है ऊपर आती है, जो पहले बनती है वो नीचे रहती है, ठीक है? अब आते हैं पॉइंट टू रिमेंबर। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं क्योंकि आजकल जो क्लास 10th है उसमें बेसिक पूछे जा रहे हैं, तो हम उन चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? टेक साइन नोटेशंस है वो ऑलवेज कैसा देखा जाता है, कैसे देते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे मिरर रख रहे हैं, इसके सामने ऑब्जेक्ट, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस और यहाँ पे निगेटिव वाई एक्सिस है, और दिस इज निगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर हम यहाँ पर हम वाई एक्सिस पर ऐसे कोई खड़ा चीज़ खड़ा कर रहे हैं, तो जो हाइट की बात कर रहे हैं तो हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस कैसा हुआ, पॉजिटिव इधर, तो इधर भी क्या होगा, पॉजिटिव, दोनों साइड कैसा होगा, वो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ठीक है? यानी अगर ऑब्जेक्ट, सॉरी, अगर यहाँ पे पॉजिटिव तो वो भी उधर भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है? अब इसके बाद देखते हैं कि हाइट ऑफ इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, यानी जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है, सीधी होती हैं, तो उनके केस में कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज कैसी होगी, एकदम सीधी खड़ी होगी, ठीक है? हाइट हाइट ऑब्जेक्ट अगर सीधा खड़ा है सीधी होगी, तो उस केस में कैसा आएगा वैल्यू, पॉजिटिव आएगा। हाउएवर इट शुड बी, इट इज टू बी टेकन एज निगेटिव फॉर रियल इमेज, और रियल इमेज कैसी होती है, हमेशा मैंने आपको सिखाया है कि वो हमेशा उल्टी बनती है, तो उल्टी यानी
जस्ट इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड अगर कोई चीज़ बनेगा तो वो निगेटिव वाई एक्सिस में जाएगा, यानी ये रियल इमेज किधर बनेगी, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है तो इमेज इधर बनेगी तो उल्टी बनेगी, ठीक है। और जब उल्टी बनेगी तो यहाँ पर कौन सा एक्सिस आता है, निगेटिव वाई एक्सिस आता है, यानी अगर हम इसको रिजेंबल करेंगे एक्सिस से यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरीके से हम अगर इसको रिजेंबल करते हैं तो दो एक्सिस हैं, तो ये निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट आउट करेगा, यानी इधर की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है, इधर की तरफ पॉइंट करेगा। फिर आगे देखते हैं, द हाइट ऑफ सॉरी व्हेन इमेज इज रियल, अगर इमेज रियल है इट इज़ इन्वर्टेड, सो एच टू इज निगेटिव, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, विच रिजल्ट इन मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, यानी रियल इमेज अगर तब के केस में क्या होता है, मैग्निफिकेशन निगेटिव होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन कैसा होता है, निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सीधा खड़ा है और इमेज कैसी बन जाती है, उल्टी, तो एक चीज़ नीचे बन रही है एक चीज़ ऊपर, तो जब अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो लगाएंगे एच टू अपॉन एच वन, तो जब एच टू की वैल्यू लिखेंगे आप तब समस्या होगी, तब उस समय आप लिखेंगे माइनस 2 मीटर, ठीक है, नीचे बना तो -2 मीटर, सो एग्जाम्पल ले रहे हैं। और अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ए दैट ऑलवेज बी पॉजिटिव, दैट विल बी 1 मीटर, तो यहाँ पर इस केस में आपको माइनस प्लस नहीं लगाना है, माइनस प्लस लगाने का ध्यान तब रखना है जब आप फार्मूला दो सेकेंड यूज करेंगे इसी का, वी अपान यू लिखने जाएंगे तब आपको माइनस लगाना जरूरी होगा, लेकिन यहाँ पर ये यूनिवर्सल फार्मूला है एच टू अपान एच वन, इसको याद रखना है, एच टू अपान यू एच वन इज यूनिवर्सल फार्मूला, इसके केस में माइनस प्लस आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो होगी ऑटोमेटिक कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, दिस इज -2, और यहाँ पे दो चीज़ें से होगी, टू का मतलब बड़ा बनेगा, माइनस का मतलब उल्टा बनेगा, यानी रियल भी इमेज बनेगी और कैसी होगी, इन्वर्टेड। जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, माइनस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड, और टू का मतलब जस्ट डबल देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो निगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट द इमेज इज रियल, यानी वो शो करता है कि इमेज कैसी है, रियल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द इमेज इज वर्चुअल, अगर इमेज कैसी है, वर्चुअल, तो वर्चुअल है तो सीधी होगी, सीधी होगी तो एच टू की वैल्यू भी पॉजिटिव, एच वन की भी वैल्यू भी पॉजिटिव, इट इज इरेक्ट सो एच टू इज पॉजिटिव विच रिजल्ट्स इन मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, ठीक है। ए पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट इमेज इज वर्चुअल, यानी अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो उस केस में जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, वो आपको वहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो पॉइंट्स हमने आपको बताया, थोड़ी देर वीडियो पॉज करके आप इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए, और फिर उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आपको हम बाकी चीज़ें भी यहाँ पर समझाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर पे, ठीक है, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो इस साइन कन्वेंशन में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम कहाँ पर क्या चीज़ रखते हैं और उस प्रकार से हम उसको क्या लेते हैं। साइन कन्वेंशन में आपको बस दो बातों का ध्यान में रखना है कि एक्सिस जो होती है, वाई एक्सिस कब पॉजिटिव होती है, यानी ऊपर के साइड ए वाई एक्सिस है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ए वाई एक्सिस कैसी होती है, निगेटिव, और ए एक्सिस इधर कैसा होता है, पॉजिटिव, और इधर कैसा होता है, निगेटिव। तो मिरर हम कैसे रखते हैं, कॉनकेव मिरर अगर हम रखेंगे तो कॉनकेव मिरर हमेशा इस तरीके से रखा जाएगा, ठीक है, और जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा इधर बैक साइड होगा, और अगर कॉन्वेक्स मिरर की हम अगर बात करेंगे तो इस तरीके से रखा जाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा अगेन एक्स एक्सिस के साइड ही होगा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो फेस होता है वो हमेशा निगेटिव साइज में होता है, यानी इस तरीके से फेसिंग होता है, ठीक है। तो हम अब देखिए, हर कोई अलग अलग तरीके से उल्टा सीधा रख सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, ग्लोबली एक सबके लिए हमने कुछ साइन कन्वेंशन बनवा दिए हैं, जिससे हमने मतलब हम सब ने जितने भी साइंटिस्ट हमारे जो लोग पढ़ाने वाले थे, जो बेल ट्यूटर थे, उन्होंने इसको डिसाइड किया कि सबको पढ़ाने के लिए में दिक्कत आएगी, तो एक काम करते हैं सबको
एक ही रूल फॉलो करने के लिए मजबूर करते हैं, तो उन्होंने साइन कन्वेंशन बनाया, और यही साइन कन्वेंशन हर कोई फॉलो करता है और उसी के बेसिस पे फॉर्मूला भी यूज होते हैं। ठीक है, तो कुछ साइन कन्वेंशन है जो इस प्रकार से यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, इनका इस्तेमाल इमेज के फॉर्मेशन में किया जाता है। पहला चीज़ जो आपको, इन चीज़ों को आपको ध्यान से समझ के रट लेनी है, समझने के बाद रटना है। ठीक है, रट के समझना नहीं है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर, तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ लिखा जाता है, मिरर के लेफ्ट में, मिरर के लेफ्ट में। तो मिरर के लेफ्ट में रखा जाएगा तो इधर रखा जाएगा, और इधर रखा जाएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और यू की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, इधर हमेशा निगेटिव ही आनी है। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाएंगे, पोल ऑफ द मिरर, यानी पोल, पोल कौन सा पॉइंट होता है, ये आपको सिखाया गया है, पोल ऑफ द मिरर से ही डिस्टेंस नापी जाती है। यानी अगर कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 0 से -1, -2 और -3। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव एंड डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे आर निगेटिव। ये बड़ी बात है, आपको बस समझने में थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन आप इसको समझिए। जब इंसिडेंट रे इधर जा रही है, इधर, ठीक है, ऑब्जेक्ट से इधर जाएगी, तो इधर जब जा रही है तो इस डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंस ले जाएंगी वो कैसी ले जाएंगी, पॉजिटिव, यानी इधर की वैल्यू कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। अगर इसके अपोजिट कोई चीज़ ट्रेवल करके आ रही है, जैसे मान लीजिए आफ्टर रिफ्लेक्शन रे इधर के साइड ट्रेवल कर रही है, तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं तो निगेटिव। तो इधर का सिंबल का मतलब क्या हुआ, हम रिफरेंस पॉइंट यहाँ से मानते हैं, तो इधर का सिंबल का मतलब इधर पॉजिटिव होगा, और इधर लौट रही है जिस अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो इधर निगेटिव होगा, इस तरीके से हम कंसिडर करते हैं। तो ये बात अगर आप ध्यान में रखते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, वैसे इस पॉइंट को बिना समझे भी वैसे समझना जरूरी है, लेकिन उतना ज़्यादा हम इसको जोर नहीं देंगे। लेकिन अब आप अगला पॉइंट देखिए, डिस्टेंसेस मेजर्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, यानी एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी अगर हम यहाँ पर कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं तो दैट विल बी पॉजिटिव, एंड डिस्टेंस मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर निगेटिव, यानी अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के निगेटिव यहाँ नीचे कहीं मेजर करते हैं तो दैट ऑल विल बी निगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, निगेटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इमेज से हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइट अपवर्ड लिया गया है, तो हाइट कैसी दिख रही है यहाँ पर, पॉजिटिव, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है यानी h1 हम इसको लिखते हैं, h1, h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव है। ठीक है, रुक जा रुक जा, कहाँ गया कहाँ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो बच्चा, नो 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 नो, हाँ ये है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, h1 हो गया, और ये जो लाइट रे है दिस इज इंसिडेंट लाइट रे, तो इस डायरेक्शन में जो जाएगा ये पॉजिटिव वाले जाएंगे, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जो चीज़ें हैं वो निगेटिव में रहेंगी। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ से लेके चलेंगे, दिस इज पोल। ठीक है, ये मिरर है, इंसिडेंट लाइट है, ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट साइड रखा गया है, देखिए मिरर है तो मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करेंगे, इधर लेफ्ट में रखा गया है, और दिस इज, इधर हम कुछ नापेंगे तो ये होगा डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट रे इज निगेटिव, यानी इधर की वैल्यू कैसी होंगी, निगेटिव। हाइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज निगेटिव, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वैल्यू कर रहे हैं तो ये निगेटिव वाई एक्सिस को पॉइंट करता है। ठीक है, ऊपर नीचे मतलब वाई एक्सिस नापेंगे, अगल बगल तो हम एक्स एक्सिस नापेंगे। ठीक है, और इधर नाप रहे हैं तो डिस्टेंस अलॉन्ग इंसिडेंट लाइट रे, यानी इधर नापेंगे तो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, यही साइन कन्वेंशन में इस्तेमाल होने वाले। ठीक है, तो ये है हमारा आज का जो वीडियो है, और इसी पे बेसिस में हम अगले क्लास में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, और तब तक इसको आप रिवाइज कीजिए, और फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं तुरंत, और हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में किस प्रकार से हम इन पर बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को दोबारा आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हैं, और कॉन्सेप्ट शायद एक बार भी ना समझ में आए तो आप इसको दोबारा देखिएगा।